नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं नगेंद्र पांडे आपको एक बार फिर से मगध दर्शन टीवी पर इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपको पभेड़ी का सैर कराता हूँ। आइए जानते हैं पभेड़ी के बारे में चंद बातें। पभेड़ी बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 26 किलोमीटर दक्षिण में एक कस्बा आबाद है। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां का सबसे छोटा बेटा औरंगजेब ने इस बस्ती का कायम किया था। वैसे इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, परंतु इस तरह की दो बस्तियां तकरीबन मुगल दौर में ही आबाद हुई थी, जिसका नाम औरंगनगर मंडवी उर्फ पभेड़ी और उर्फ पभेड़ा है। ये दोनों आज बाजार हैं। 1990 के दशक में यह पभेड़ी नाम का बाजार आबाद हुआ। पभेड़ी में हिंदू तकरीबन बहुतायत रूप से रहते हैं। 1990 के बाद यह एक ऐसा बाजार के रूप में उभरा जो आज एक कस्बा के रूप ले चुका है। यहाँ तकरीबन 54 गांव एक साथ जुड़ते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पभेरी, इसके दक्षिण में डुमरा, उत्तर में अवधारा, भखरी और सिराधी, तथा पूरब में जहानपुर, पभेरा, तथा दक्षिण पूर्व में रेणविघा, तथा बहुत दूर दूर तक और भी कई गांव इससे जुड़े हुए हैं। यह आज एक कस्बा का रूप ले चुका है। इस गांव के पश्चिम में धनरुआ तथा जलालपुर नाम की बस्ती आबाद हुई है। यहाँ जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक है। यहाँ तकरीबन प्याज का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान यहाँ से तकरीबन 50 करोड़ रुपए का प्याज बेचा जाता है। पभेरी आज राजनीति में भी अपना एक स्थान रखता है। आज मसौढ़ी विधानसभा की माननीय श्रीमती विधायिका रेखा देवी जी का कार्यालय भी पभेड़ी मोड़ पर ही है। उसके बाद पभेड़ी से पूरब में वह बस्ती है जिसे माना जाता है कि औरंगजेब का, शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र औरंगजेब ने इसे आबाद किया था। ऐसा पभेड़ी के बारे में कहीं लिखित प्रमाण दर्ज तो नहीं है, परंतु पभेड़ा में जो मस्जिद है, उस दौरान पभेड़ा के मस्जिद के तामीर के दौरान ही ऐसा भ्रांतियां और लोगों के बीच यह बातें प्रचलित रूप से मानी जाती है कि जिस समय सादिकपुर पभेड़ा नाम का रोड हुआ करता था, उस समय औरंगजेब इसी रास्ते से उड़ीसा जा रहा था, क्योंकि उस समय उड़ीसा का वह सूबेदार हुआ करता था। तो उस समय ही वह पभेड़ा नाम की बस्ती में, जिसे उस औरंगजेब ने ही नामित किया था, उस बस्ती में औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवाया था और उसी ने ये नाम रखा था औरंगनगर मंडवी उर्फ पभेड़ा, और इसी से प्रेरित यह नाम भी है औरंगनगर मंडवी उर्फ पभेड़ी। पभेड़ी आज व्यापार का केंद्र भी बन चुका है। तो आज इस तरह से हमने जाना पभेड़ी के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और